हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सैटरडे की मॉर्निंग है और यहाँ पे मैं सबसे पहले नहा धोकर आई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है हमारा। सुबह उठ के नहा धो के भगवान की थोड़ी पूजा अर्चना कर लो तो उससे पूरा दिन एकदम अच्छा बीतता है। और ये देखिए, हमारा छोटा सा मंदिर है, अब बहुत ही जल्द हम बड़ा मंदिर लेने वाले हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए पूजा के मंदिर में। पूजा करने के बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर गाने चल रहे थे तो आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आ रही है इसीलिए। और मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मेरा फेवरेट और हम सबका फेवरेट, मतलब हम तीनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, सूजी का हलवा। उसके लिए सूजी भून रही हूँ। और जब तक सूजी भुन रही है तो मैंने चीनी भी इसमें रिफ़िल कर ली है क्योंकि चीनी भी ख़त्म हो रही थी सारी, तो इसी वजह से मैंने डब्बे में चीनी भर ली है। और इधर थोड़ी थोड़ी सूजी भी भून के रेडी होने वाली है। और जब तक ये सूजी भुन रही है, साथ के साथ ही मैं पोहा भी बना रही हूँ नाश्ते में। पोहा और सूजी का हलवा, इसका नाश्ता करेंगे आज हम। और साथ के साथ इसकी भी तैयारी कर ले रही हूँ पोहा बनाने की। और पोहे में मैं फ्रेंड्स आलू भी ऐड करूँगी क्योंकि मैं डालती हूँ पोहे में आलू। तो इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है एकदम आलूओं को, और साथ के साथ सूजी भी चलाती रहूँगी। और सूजी भुन चुकी थी, उसके बाद मैंने उसमें पानी ऐड कर लिया है और चीनी भी ऐड कर लिया, और ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो भी इसमें डाल दिया है मैंने। और इधर मैं बारीक बारीक आलू चॉप कर लूँगी। और यहाँ नाश्ता बनाते हुए पवी भी आ जाती है। पवी भी सवाल पे सवाल, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, मतलब इसके इतने सवाल होते हैं ना कि बस जवाब देते देते मैं भी कभी कभी थोड़ा सा इरिटेट हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को काम में डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा। और इधर मेरा हलवा फ्रेंड्स बनके तैयार हो गया है और आलू भी चॉप हो गए हैं, पोहा भी धो के रख लिया है मैंने। और अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और ये कढ़ाई माँज लूँगी क्योंकि इसी में मेरे को पोहा बनाना था। और पोहा बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं कच्ची मूंगफली के दाने जो हैं इनको भून लूँगी ऑयल में ही। और ये जब कच्चे मूंगफली के दाने जो हैं ये भून जाएंगे अच्छे से, मतलब एकदम करारे हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं इस ऑयल फिर मैं इस इन दानों को, जो मूंगफली के दाने हैं उनको अलग बर्तन में निकाल लूँगी। उसके बाद जो ये आलू हैं इनको भी मैं थोड़ा सा डीप फ्राई कर लूँगी जिससे ये गल जाएँ थोड़े से, क्योंकि पोहे में ऐसे आलू तो डाल नहीं सकते, ऐसे आलू गलेंगे नहीं, इसीलिए पोहे बनाने में पानी तो यूज़ होता नहीं है इसलिए गल नहीं पाएंगे। तो मैं पहले से ही इसको ऑयल में फ्राई करके गला लेती हूँ आलू को। और जब तक ये आलू गलते रहेंगे तब तक ये थोड़ा सा पोहा जो मैंने धो के रखा है ये भी फूल जाएगा। और तब तक मैं बाकी की सारी तैयारी कर लूँगी, जैसे प्याज चॉपिंग वगैरह करना है, प्याज टमाटर हरी मिर्च जो भी चॉप करना है वो मैं कर लूँगी। तो अभी मेरा प्याज चॉप हो चुका है और यहाँ पे मैं टमाटर चॉप कर रही हूँ अपने सारे। ये आलू देखिए गल चुके हैं तो मैंने इसको निकाल लिया है इसमें से। और अब मैं पोहा छौंकने की तैयारी करूँगी जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी राई। और उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज इसमें। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद जो मैंने टमाटो चॉप कर रखे हैं उसमें सारा मसाला ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला थोड़ा सा
ये सब मैं ऐड करके इसमें जब प्याज भुन जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैं उसमें इसको भी भुनने के लिए डाल दूंगी। और ये गलने के बाद मैंने इसमें जो आलू थे वो डाल दिए थे, और उसके बाद पोहा डाल दिया, उसको फिर उसके बाद मिला लिया था दोनों को। वीडियो क्लिप हट गई थी, डिलीट हो गई थी मेरे से गलती से, तो इस वजह से मैं आगे की वीडियो नहीं शेयर कर पाई आप लोगों से। और ये तैयार है हमारा नाश्ता। ठीक हो ऐसे देखो, अरे छोलो 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 भैया छोलो, ऐसे करो। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था, और ब्रेकफास्ट करके हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे, और ये जो है ऑफिस का काम कर रहे थे क्योंकि सैटरडे वर्किंग होता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम होता है तो इसलिए घर से काम कर रहे थे ये। और ये तुम क्या कर रही हो? बहुत सारी की झूठ बोल रही हो। तो फ्रेंड्स अब हो रहा है शाम का टाइम, और हम कर रहे हैं, करना है अभी डिनर की तैयारी। अभी तो चलिए चलते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स अभी हो रहा है रात का टाइम, और डिनर की तैयारी हो गई है मेरी। सब्जी बनने लगती है, और थोड़ा सा बैंगन का भरता रखा था तो कल बनाया था, कल रात डिनर में बनाया था बैंगन का भरता, तो वो भी रखा है, तो वही हो जाएगा सब। और कल पवी के लिए पकौड़ी बनाई थी मैंने, बेसन वाली पकौड़ी, प्लेन बेसन वाली, आलू की नहीं। तो उसकी ना मैंने थोड़ी सी रसीली सब्जी छोंक ली, क्योंकि उसको मैं क्या करती फ्रिज में रख दी थी तो एकदम टाइट हो गई थी, तो चलो उसकी सब्जी छोंक लेते हैं प्याज वगैरह से, प्याज लहसुन और टमाटर वगैरह से सब। और फ्रेंड्स ये है पड़ोस में भाभी रहती है, उनकी बेटी, इसको खिलाने के लिए ले आई हूँ मैं, थोड़ा सा खेल लेगी ये, हमें भी मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। और फ्रेंड्स ब्लॉग में बस इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करते जाना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके।